तो देखिए ये बात वहीं पर आई, पहले हमारे कॉलर ने कहा कि जी पंजाब हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी का क्यों नहीं उस तरह से भरपूर इंतजाम कर रही, और हमारे ये भाई साहब ने कहा कि ये जो है जुलूस इस अपने घर तक महदूद होना चाहिए। देखिए ये कोई नई डिबेट नहीं है, ये सैकड़ों सालों से चल रही है, बल्कि यूं अगर मैं कहूं कि 1400 साल से ये मसला है तो ये बिल्कुल है। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ वाकया करबला में हुआ वो एक यूं कहिए कि वो जो सहनिया था, वो जो ट्रेजिडी थी, उसने एक एक तरह से एक इस्तारा बन गई है इन तमाम तर सदियों में जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इस्तबदाद के खिलाफ आवाज उठाने की। ये जो मुहर्रम के जुलूस होते हैं, ये जो मातम का अंदाज होता है, हमारे चंद भाई पाकिस्तानी उस पर एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं क्यों होता है, क्यों निकलते हैं, और भी ममालिक होता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। मगर देखिए ये एक यूं कहिए कि ये एक सिंबॉलिक इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक प्रोटेस्ट है उन गासिबाना कुवतों के खिलाफ जो के हक और सच्चाई की आवाजों को दबाती हैं। तो देखिए ये जो होती हैं हमारी मजहबी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो अकायद होते हैं, ये इनकी एक सकाफती वैल्यू भी होती है, इनकी एक तारीखी वैल्यू होती है। इस समय हमारे लाइव कॉलर्स ने फोन किया और शो में पार्टिसिपेट किया, और उनका जो बात जो उन्होंने बात की उसका लुबे लुबाब ये था कि कल का दिन जो है उसके ऊपर सिक्योरिटी और अमन जो है उसको बहाल रखना, उसको कायम रखना, वो हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा और हम उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं। नासिर नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो है लोगों में जज्बे की कमी नहीं है, उनमें क्राइसिस से निमटने की कमी नहीं है और लीडरशिप की जरूरत है। मैं बिल्कुल नियाज़ी साहब से इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने अर्थक्वेक का जलजला जो आया था 2005 में अक्टूबर में उसका हवाला भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों की स्पिरिट देखी, और बिल्कुल मैं खुद भी उसका एक शाहिद हूँ, यानी शाहिद हूँ। जब वो आया जलजला तो मैं उस वक्त यहीं था, और मैंने उसके बाद जो हिम्मत देखी पाकिस्तानियों की, जौक दर जौक जिस तरह उन्होंने वो आज़ाद कश्मीर का रुख किया, मानसेहरा का रुख किया, हज़ारा बेल्ट के अंदर गए, और जिस तरह से अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद की, वो कमाल की बात थी। मगर हम ये ना भूलें कि जलजले के बाद भी हम आफात का शिकार रहे हैं। वो 2010 का सैलाब, इतना बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से नहीं आया। उस वक्त भी पाकिस्तानियों ने भरपूर निपटे, और हमारे लोगों का एक जो बहुत बड़ा वतीरा रहा है तारीखी तौर पर कि रियासत चाहे कमजोर हो, इनएफिशेंट हो, ला ताल्लुक हो, लोग अपने हाथों से, लोग अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से मुल्क की तामीर और तरक्की जो है वो करते रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ है, जो पाकिस्तान की असल तवानाई है इसके अंदर, वो इन्हीं सोसाइटल नेटवर्क्स, इन्हीं माशरती जो मुख्तलिफ ताने बाने रिश्ते जो हैं आपस में कम्यूनिटीज़ में, वो उसकी वजह से कायम है।